नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताजा अपडेट में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों द्वारा तेजस लड़ाकू विमान में यहां पर ऐतिहासिक उड़ान रचा है। जहां तक की अपडेट आ रहा है, एक ऐतिहासिक घटना में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में एक साथ उड़ान भरी है। यह उड़ान रक्षा प्रौद्योगिकी की और आत्मनिर्भरता में भारत की प्रगति के तहत जहां पर ये आगे बढ़ रहा है, और उसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। जो कि अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का उड़ान की भांति भारत की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन भी ये कर रहे थे। उड़ान यहां पर जोधपुर के ऊपर से गुजर थी। और मैं आपको बता दूं यहां पर कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुख ने सोमवार को स्वदेशी निर्मात हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस में उड़ान भरकर इतिहास रच दिए हैं। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने मुख्य लड़ाकू विमान उड़ान भरी, जबकि सेना उप प्रमुख यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य और नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने यहां पर सिटी वाले तेजस विमान में उड़ान भरे। तो भारतीय वायुसेना यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स ने एक अधिकारी बनाए में कहां तक ये अपडेट आ रहा है कि इस अधिकारी को बयान में ये कहा गया कि अभ्यास में उनके संयुक्त भागीदारी कहीं ना कहीं यहां पर न्यू सोल्जर के तहत आप बता सकते हो, या क्रेस डेविन सहयोग पर बढ़ते हुए इस हिसाब से कहीं ना कहीं फोकस के तहत दर्शाए थे, जिसमें भूमि, समुद्र और वायुसेना आधुनिक और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ काम कर रही है। यह अद्भुतपूर्व संयुक्त उड़ान पहली बार किया गया है जब तीनों सेवाओं के उप प्रमुख ने एक ही अवसर पर उड़ान भरी है। यह भारत की बढ़ती एकीकृत रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता के एक संयुक्तशील प्रमाण है, और न कि केवल उनके नेतृत्व को दर्शाता है बल्कि भारत की सशस्त्र बलों की निर्भर और एकीकरण में भी इस चीज़ के ऊपर दर्शाते हैं। यह उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित भारत के पहले भूराष्ट्रीय अभ्यास, जहां तक हम बात किए अभ्यासों और तरंग शक्ति 2024 के हिस्से की रूप में जोधपुर के ऊपर से गुजरी है। तो यहां पर यदि हम बात करेंगे प्रतिभागियों की विविधता से IAF के नेतृत्व वाले इस अभ्यास के उद्देश्य में जहाँ तक हम बात किए घनिष्ठ संबोध का बढ़ावा दिया गया है और विभिन्न क्षमताओं के सहयोग बढ़ाया गया है, और इस मिशन का तेजस को शामिल करना भारत की रक्षा बुनियादी ढांचा के आधुनिकीकरण से स्वदेशी और एंटीकैम की महत्वपूर्ण भूमिका की रखिकता करती है। तो यहाँ भी हम बात करेंगे इस अधिकारियों को बनाव के लिए तहत भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण कौशल का प्रतीक और तेजस की उड़ान देश की मेक इन इंडिया के पहले के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। तो जहां तक हम बात करेंगे यहां पर एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी ADA द्वारा डिजाइन किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL द्वारा विकसित और निर्मित तेजस का एक अत्याधुनिक बहुत भूमिके वाले लड़ाकू विमान से जैसे विदेशी आयात पर निर्भरता के कम करते हुए भारत की इस शस्त्र वाले जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं। इस डिजाइन के तहत कहीं ना कहीं अवसर के उपयोग में भारत ने FFC डोंगो और भाग लेके जहां तक भाग लेता है, और आने वाला दिन में इसको बातचीत करने के लिए तीन उप प्रमुख द्वारा भी किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आने वाला दिन में भारत कहीं ना कहीं न्यू चीज़ों के ऊपर अपडेट कर रहा है। बेसिकली जो टॉपिक था आज यहां पर उप प्रमुख जो कि तीनों सेनाओं की, जहां तक हम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर बात किए हैं। आने वाला दिन में ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़।